हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के बारे में। तो इसमें अभी तक हम लोग 9 चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं, ये 10वां चैप्टर है। आपका 9वां चैप्टर था जलवायु से संबंधित, जो सभी जो भी तथ्य थे उसमें सभी उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में थे। अब बात करेंगे हम लोग वन संपदा से के बारे में। तो याद रखिए, आपके जितने भी चैप्टर ख़त्म होते जा रहे हैं वो सभी उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के नाम से जो प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है उसी में डले हुए हैं। वन संपदा में वर्तमान में राज्य के 21,722 वर्ग किलोमीटर पर वन आच्छादित है। केंद्र सरकार द्वारा 1998 में राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा की गई, जिसके अनुसार देश की कुल क्षेत्रफल की 33.3% यानी कि 60% पर्वतीय क्षेत्रों में तथा 25% मैदानी क्षेत्रों में भागों पर वनों का विस्तार अनिवार्य है। ठीक है, 1998 की जो वन नीति आई थी इसके अनुसार कुल क्षेत्रफल के 33% भाग पर वन होना अनिवार्य है। केंद्र सरकार की तर्ज पर उत्तर प्रदेश द्वारा 26 दिसंबर 1998 को राज्य वन नीति घोषित की गई। इस नीति में राज्य के संपूर्ण क्षेत्रफल के 33.3% भाग को वनाच्छादित होना जरूरी माना गया, लेकिन वर्तमान में वन स्थिति रिपोर्ट 2011 के अनुसार प्रदेश की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 5.95% भाग पर वन आच्छादित है, 3.06% भाग पर वृक्षादन है, 9.1% भाग पर वन वृक्षादन है। ठीक है, राज्य के कुल क्षेत्रफल के 6.8% भाग पर रिकॉर्डेड वन है। कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र में से 70.32% रक्षित वन है, 8.56% संरक्षित वन है और शेष 21.12% अवर्गीकृत वन है। राज्य में कुल वन आच्छादित क्षेत्रों में से 56.84% भाग पर खुला वन, 31.80% भाग पर मध्यम सघन वन और 11.34% भाग पर अति सघन वन क्षेत्र आदि रहते हैं। प्रदेश में अधिकांश वन तराई भावर क्षेत्र में पाए जाते हैं। मैदान में इस समय प्राकृतिक वन बहुत छोटे छोटे भागों में बसे हैं, किंतु पर्वतीय पट्टियों में वनों की व्यापकता अधिक है। प्रदेश में विभिन्न प्रकार के वन होते हैं। इसमें उष्ण प्रदेशीय आद्य पर्णपाती वन होते हैं। ऐसे वन तराई के नमी वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऐसे वनों में ऊंचे क्षेत्रों में मुख्य रूप से अनिश्चित आकार के पर्णपाती वृक्ष पैदा होते हैं। निचले भागों में अनेक प्रजातियां होती हैं, जिनमें स्थान स्थान पर बांस, लताओं तथा बेंत के साथ साथ सदा हरी भरी रहने वाली झाड़ियाँ होती हैं। ऐसे वनों में पाए जाने वाले मुख्य वृक्ष हैं साल, बेर, गूलर, झिंगल, महुआ, सेमल, ढाक, आंवला, जामुन। उष्ण प्रदेशीय शुष्क पर्णपाती वन, ये वन उत्तर प्रदेश के सभी मैदानी भागों में आमतौर पर पूर्वी मध्य और पश्चिमी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। नीम, पीपल, आम, जामुन, महुआ, बाबुल, इमली आदि वृक्ष नदियों के किनारे एवं अन्य नमी वाले क्षेत्रों में पैदा होते हैं। फिर उष्ण प्रदेशीय कटीले वन, ये वन साधारणतः प्रदेश के दक्षिणी पश्चिमी भागों में, ऐसे वन कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होते हैं। इन वनों में कटीले बौने वृक्ष, बाबुल, कटीले फलदार पौधे, सावनहुड के वृक्ष होते हैं। इस क्षेत्र के प्रमुख वृक्षों पौधों में फुलाई, खैर, कुक्को, कुक्के, धामन, नीम आदि सम्मिलित हैं। इन पेड़ों से औषधीय द्रव्य एवं गोंद प्राप्त होती है। ठीक है, जैव विविधता के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु एक राष्ट्रीय पार्क, 24 जीव विहार और 2 पक्षी अभयारण्य स्थापित हैं। 9वीं पंचवर्षीय योजना में विश्व बैंक की मदद से प्रदेश में समेकित वन्य की योजना प्रारंभ की गई, जिसका उद्देश्य वनों एवं वृक्षों से आच्छादित क्षेत्र में विस्तार, उत्पादकता में वृद्धि तथा वनों का सतत संरक्षण एवं उपयोग सुनिश्चित करना है। उत्तर प्रदेश के अधिकांश वन तराई और भावर क्षेत्र में पाए जाते हैं। प्रशासकीय दृष्टि से उत्तर प्रदेश में वनों को 6 वर्गों में विभक्त किया गया, आरक्षित वन, संरक्षित वन, सामुदायिक वन और आवर्गीकृत वन,
राजकीय वन और निजी वन। वनों पर आधारित उद्योग और उनके केंद्रों की बात करें तो एक केंद्र है जनपद वनों पर आधारित उद्योग बरेली, रेजिन माचिस कत्था फर्नीचर बैंत, सीपतापुर नजीदाबाद नजीबाबाद बिजनौर सहारनपुर, प्लाईवुड कागज और पल्प मिर्जापुर झांसी, बीड़ी चीनी मिट्टी के खिलौने, दुद्धी सोनभद्र वाराणसी लकड़ी के खिलौने, मेरठ में खेल का सामान बनता है, गोरखपुर प्रयागराज में बैंत फर्नीचर। अब बात कर लेते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश वन नीति के बारे में। उत्तर प्रदेश वन नीति 1998 26 दिसंबर 1998 को राज्य सरकार द्वारा घोषित वन नीति में आर्थिक लाभों को गौण मानते हुए पर्यावरणीय स्थिरता तथा पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने पर विशेष बल दिया गया। इस नीति की मुख्य बातें इस प्रकार हैं। विदेश में व्यापक स्तर पर सभी वर्गों की विशेषकर महिलाओं एवं वनों के निकट ग्रामवासियों की भागीदारी एवं सहयोग प्राप्त कर वनों के विकास एवं वृक्षारोपण हेतु जन आंदोलन करना। फिर अब विदेश के 33.3% क्षेत्र को वन आच्छादित करने के लक्ष्य की पूर्ति के लिए बेहद कार्य योजना तैयार करना। फिर अब ग्रामीण क्षेत्रों के निर्बल वर्गों में के घरेलू मांग की पूर्ति पर विशेष बल दिया जाए। स्थानीय लोगों विशेषकर SC और ST को महुआ चिरौंजी शहद मोम आदि वनोपज का संग्रहण निःशुल्क करने दिया जाए। सामाजिक वन की कार्यक्रम को त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से चलाया जाए तथा अच्छे कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत किया जाए। आगे वन की कार्य को रोजगार परक मानते हुए इसे राज्य के सभी रोजगार परक योजनाओं में विशेष महत्व देने पर बल दिया जाए। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य वन की परिषद की स्थापना की गई जो इस नीति के क्रियान्वयन की समीक्षा करेगी। ठीक है, विदेश में वर्तमान वन नीति की बात करते हैं। वन नीति का प्रमुख उद्देश्य पर्यावरणीय स्थिरता एवं पारिस्थितिकी है। वनों से आर्थिक लाभ का उद्देश्य गौण है। राज्य में बेहद स्तर पर सभी वर्गों की विशेषकर महिलाओं एवं वनों के सीमावर्ती ग्रामवासियों की भागीदारी एवं सहयोग प्राप्त कर वनों के विकास एवं वृक्षारोपण हेतु जन आंदोलन चलाया जाएगा। विदेश के एक तिहाई क्षेत्र को वन आच्छादित करने के लक्ष्य की पूर्ति के लिए बेहद योजना तैयार की जाएगी। ग्रामीण निर्बल एवं जनजाति के लिए ईंधन चारा लघु वन उपज की घरेलू मांग की पूर्ति पर विशेष बल दिया जाएगा। सामाजिक वन की कार्यक्रम त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से चलाया जाएगा। अच्छे कार्य करने वाले ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत किया जाएगा। चिरौंजी महुआ शहद तथा मोम को स्थानीय लोगों तथा जनजातियों को निःशुल्क दिया जाएगा। वन की कार्यों को रोजगार परक मानते हुए इसे राज्य की सभी रोजगार परक योजनाओं में विशेष महत्व दिया जाएगा। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य वन की परिषद की स्थापना की गई जो वन नीति के क्रियान्वयन की समीक्षा करती है। इसके प्रमुख उद्देश्य हैं। ठीक है, विशेषताएं। आगे बात करते हैं हम लोग। विश्व बैंक प्रायोजित समेकित वन की योजना मुख्य प्राथमिकताएं क्या क्या हैं इसमें वो देख लेते हैं। फार्म वन की एवं कृषि वन की को बढ़ावा देना, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखना तथा पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण, प्रदूषण के कुप्रभावों को उपयुक्त प्रजातियों के रोपण द्वारा कम करना, ईंधन चारा तथा लघु प्रकाष्ठ की उपलब्धता में वृद्धि करना, वन प्रबंधन तथा वन की कार्यों में जनता की सहभागिता सुनिश्चित करना, फिर वन की अनुसंधान के को सुदृढ़ एवं गतिशील बनाना, वनों और वनाच्छादित क्षेत्रों में वृद्धि करना, अभिरुचि के विषयों में प्रशिक्षित कर स्टाफ की कार्यकुशलता बढ़ाना, वन विभाग के कार्यकलापों को जनाकांक्षाओं के अनुरूप ढालना, वन एवं वन्यजीव अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण करना, पौधों की उन्नत किस्म विकसित करके तथा उन्नत बीजों के आधिकारिक प्रयोग से वनों की उत्पादकता में वृद्धि करना, वनों को जन आंदोलन का स्वरूप देना। 1952 की वन नीति के अनुसार जुलाई 1952 से पूरे देश की तरह उत्तर प्रदेश में भी वन उत्सव मनाया जाना शुरू किया गया। इस महोत्सव का मूल आधार है वृक्ष का अर्थ जल, जल का अर्थ रोटी, रोटी का ही जीवन है। बात करते हैं नगरीय वन की स्थापना। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 15 अगस्त 2006 को देश के सबसे बड़े 101 एकड़ के नगरीय वन की स्थापना तथा भूजल संवर्धन एवं प्राचीन झील संरक्षण परियोजना को शुरू किया गया। इस नगरीय वन में 101 भारतीय और विदेशी प्रजातियों के वृक्ष लगाए जाएंगे।
पीपल जामुन चीड़ बेलकुंज के अलावा वट वाटिका, तीन विशिष्ट उद्यान तथा 21 एकड़ क्षेत्र में फैली प्राकृतिक झील में कमल ताल, कुम दनी कुंज, लीली पार विशेष आकर्षण होंगे। इसके अलावा झील में मछली पालन, जलकीड़ा नौका विहार, प्राकृतिक पक्षी विहार की सुविधा होगी। बात करते हैं उत्तर प्रदेश वन क्षेत्र को बढ़ावा देने के हेतु वृक्षारोपण कार्यक्रम। उत्तराखंड के राज्य के अलग हो जाने के बाद प्रदेश में अब केवल 21,722 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ही वन बचा हुआ है। प्रदेश की जनसंख्या के हिसाब से अब केवल 1% वन क्षेत्र ही शेष बचा है और ऐसी स्थिति में वृक्षारोपण अभियान चलाकर उस कमी को काफ़ी सीमा तक पूरा किया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह एक व्यक्ति एक पेड़ योजना में सहयोग करे तो वृक्षारोपण एक बेहद कार्यक्रम बन जाएगा। वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए मोहल्ला स्तर पर पितिपालक और रेंज स्तर पर वृक्ष मित्र का चयन किया गया। इस योजना के तहत ऐसे व्यक्तियों का चयन किया जाता है जो पेड़ पौधों के प्रति रुचि और उनके रखरखाव की जानकारी रखते हैं। वृक्ष पितिपालक और वृक्ष मित्र अवकाश प्राप्त शिक्षक, कर्मचारी या कोई भी ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसे पर्यावरण में रुचि हो तथा जो नवजात पौधों की उचित देखभाल कर सकने में सक्षम हो। विभाग द्वारा चुने गए पितिपालक अपने अपने क्षेत्रों के वृक्षों को के समुचित रखरखाव तथा जानवर आदि से उनकी सुरक्षा के प्रबंध करेंगे। वृक्ष पितिपालक अपने अपने क्षेत्रों में अन्य लोगों को जागरूक कर वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाते हैं और इसके साथ ही क्षेत्र के पार्कों आदि में वृक्षारोपण की योजनाएं बनाकर DFO को भेजते हैं ताकि उन योजनाओं पर विचार किया जा सके। इसके अतिरिक्त पेड़ों के अवैध कटान को रोकने के लिए विभाग के साथ साथ क्षेत्र के पितिपालक भी सहायता ली जाती है। प्रत्येक पितिपालक को यह अधिकार होता है कि क्षेत्र में कहीं भी हो रहे अवैध कटान की सूचना विभाग को देकर वनों की रक्षा के लिए जागरूक नागरिक की भूमिका अदा करे। विदेश में सुनिश्चित रोजगार योजना के तहत ग्राम प्रधानों को 5,000 पौधे लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत विभाग की नर्सरी से तैयार पौधे को किसानों को सस्ते दामों पर उपलब्ध कराया जा रहा है। बरेली जिले की जलवायु और मिट्टी बांस यूकेलिप्टस के पेड़ों के लिए काफ़ी उपयुक्त है, इसलिए जिले के सीवीगंज क्षेत्र में स्थित एक पौधशाला में यूकेलिप्टस और बांस के क्लोन पौधे विकसित किए जा रहे हैं। इस तरह प्रदेश की 32 पौधशालाओं में तैयार क्लोन पौधे में से यूकेलिप्टस की उत्पादन क्षमता करीब 1.5 गुना तक बढ़ोतरी होने की आशा है। वृक्षारोपण इस कार्यक्रम के लिए वन विभाग की पौधशालाओं में तैयार पौध को आम जनता की रियायत दरों पर उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके साथ ही संपूर्ण प्रदेश में ऑपरेशन ग्रीन योजना लागू की गई। इस योजना के अंतर्गत वृक्षारोपण को युद्ध स्तर पर लागू किया गया। प्रदेश में वन क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए पीलीभीत, बिजनौर, बरेली, मेरठ, बदायूं, सहारनपुर जिलों में हाईटेक नर्सरी विकसित करने का कार्य शुरू किया गया। बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट टाइगर योजना। उत्तर प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर योजना के अंतर्गत निम्न दो योजनाएं अलग अलग कार्यान्वित हो रही हैं। एक है दुधवा राष्ट्रीय पार्क का विकास। कौन सा? दुधवा राष्ट्रीय पार्क का विकास। वारहसिंगा एवं शेर जैसी दुर्लभ प्रजातियों के संरक्षण एवं समुचित विकास हेतु वर्ष 1968 में स्थापित दुधवा पशु विहार को वर्ष 1977 में राष्ट्रीय पार्क का स्तर दिया गया। यह पार्क आपका खीरी और पीलीभीत के 480 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। याद रखना है आपको, दुधवा राष्ट्रीय पार्क की स्थापना हुई 1968 में और 1977 में राष्ट्रीय पार्क का दर्जा मिला इसे। यह खीरी और पीलीभीत में, ठीक है। अब इस पार्क में गैंडों का भी पर्याप्त संख्या में पुनर्वास किया जा चुका है। वर्ष 1987-88 से इस पार्क को भारत सरकार की वाक परियोजना में शामिल कर लिया गया। बाघों की गणना याद रखिए अभी 2019 में आई हुई है, ठीक है, तो उसे आंकड़े को याद रखिए, पुराने को जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 1967 इसमें कुल टोटल बाघ हैं भारत में, ठीक है।
इसमें मध्य प्रदेश पहले नंबर पर है। ठीक है, अभी 2019 की जो गणना हुई है। और फिर है उत्तर प्रदेश वन्य जीवन, देश के प्रथम वन्य जीव परिरक्षण संगठन की स्थापना उत्तर प्रदेश में वर्ष 1956 में की गई। यह संगठन उत्तर प्रदेश जैव विविधता संरक्षण तथा प्रदेश के वन्य जीवों उनके प्राकृतिक आवासों के संरक्षण एवं विस्तार का कार्य करता है। उत्तर प्रदेश वन्य जीवों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य विहारों की स्थापना 20वीं शताब्दी के चौथे दशक में शुरू की गई। बात करते हैं वन्य जीव परिरक्षण संगठनों की दो दायित्व। प्रदेश में वन्य जीवों की सुरक्षा और आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति के संगन वन प्रबंधन, दूसरा है राष्ट्रीय उद्यान वन्य विहारों एवं पक्षी विहारों का विकास। और आगे बात करते हैं वर्तमान में वन्य जीव परिरक्षण की प्रमुख चल रही परियोजनाओं के बारे में बात करते हैं। ठीक है, कौन कौन सी हैं? कछुआ पुनर्वास योजना, गंगा नदी के प्रदूषण निवारण के लिए कछुआ विस्तार की योजना, और घड़ियाल प्रजनन पुनर्वास योजना मगरमच्छ घड़ियालों के लिए, इको डेवलपमेंट योजना संरक्षित वन क्षेत्र के समीप वन उपज को विकसित करने के लिए। ठीक है, और फिर है आपकी वर्तमान में मध्य उत्तर प्रदेश की संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र में के 21,291 वर्ग किलोमीटर अर्थात 8.84 भाग में प्रतिशत भाग में वन आच्छादित हैं, जिसका 4.3% भाग वन्य जीव परिरक्षण संगठन के अंतर्गत है। प्रदेश में एक राष्ट्रीय पार्क, 24 वन्य जीव विहार और 13 पक्षी विहार हैं। ठीक है, याद रखिए, आपको याद रखना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जिला लखीमपुर खीरी में है, जिसकी स्थापना 1968 में हुई थी। राष्ट्रीय पार्क का दर्जा 1977 में मिला इसे। यह 480 किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम 1974 के अंतर्गत 25 नवंबर 1974 को उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना की गई। उत्तर प्रदेश वन निगम को सौंपे गए कार्य सामाजिक वनिकी क्षेत्रों से आवंटित वृक्षों का पातन एवं उनका निस्तारण, तेंदुआ पत्ता के संग्रहण निस्तारण का कार्य, आरक्षित वनों में आवंटित वृक्षों का पातन एवं उनका निस्तारण, जय विकास नगर गोंडा में एवं बलरामपुर में वृक्षारोपण का कार्य, सामान्य एवं उच्च तकनीक पर आधारित पौधशाला की स्थापना, ललितपुर जनपद में जड़ी बूटी संग्रहालय भंडारण एवं विपणन का कार्य। देश में प्रथम वन जीव परिरक्षण संगठन की स्थापना उत्तर प्रदेश में वर्ष 1956 में की गई। यह संगठन प्रदेश में जैव विविधता संरक्षण, प्रदेश के वन्य जीवों एवं उनकी प्राकृतिक वास स्थलों के संरक्षण का कार्य करता है। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित पटना पक्षी विहार की अभ्यारण्य घोषित करने का निर्णय राज्य सरकार ने किया। खजूरों के वन से घिरे पक्षी विहार को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने का प्रयत्न किया जा रहा है। वन प्राणियों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 पारित किया, जिसमें विलुप्त होने वाले वन्य जीवों की जाति उपजाति को विशेष संरक्षण देने की व्यवस्था की गई। याद रखिए बाघ गणना 2018 में जो आए हैं आंकड़े 18 के और 19 में आए हुए हैं। ठीक है, 18 के आंकड़े 2019 में आए हुए हैं। तो इसमें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में संख्या बढ़ी है। ठीक है, 2014 में ये थी 2200, भारत की बात कर रहा हूँ, टोटल भारत में 2226, जो 2018 में बढ़कर 1967 हो गई।
यूपी और उत्तराखंड में भी बाघों की संख्या बड़ी है। ठीक है, याद रखिए। अब बात करते हैं आगे। पक्षी विहार, ये पक्षी विहार है आपके, ये नाम है, इनकी स्थापना वर्ष है, क्षेत्रफल के वर्ग किलोमीटर में और जनपद, तो ये नवाबगंज पक्षी विहार 1984 में बना, 2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में इसका है, ये वो उन्नाव में। फिर है समसपुर, समसपुर पक्षी विहार 1987, 8 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, रायबरेली में। लाख बहोसी पक्षी विहार 1988, 30 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में, फरुखाबाद। सांडी पक्षी विहार 1990 में, हरदोई में। ठीक है, बखीरा पक्षी विहार 1990 में, संत कबीर नगर में। ओखला पक्षी विहार 1990, गाजियाबाद। समान पक्षी विहार मैनपुरी 1990। पावर्ती अरंगा पक्षी विहार 1990 में, जयप्रकाश नगर गोंडा में। विजय सागर पक्षी विहार 1990 हमीरपुर में। पटना पक्षी विहार 1990 इटावा में, इटा में। सुरहा ताल पक्षी विहार 1991 बलिया में। सूर सरोवर पक्षी विहार 1991 आगरा में। और फिर है आपका बैती पक्षी विहार 2003 में, प्रतापगढ़ में। ठीक है, अब बात करते हैं प्रमुख वन्य जीव विहारों के बारे में, इसके बारे में, प्रमुख वन्य जीव विहारों के बारे में। ठीक है, वन ये नाम है, उनकी स्थापना है, वो क्षेत्रफल है, ठीक है, जनपद है, तो क्षेत्रफल देख लेना क्योंकि क्षेत्रफल कम ही पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें पूछा जाता है आपका नाम और इनकी स्थापना और स्थान, तो याद रखना है चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार आपका है, यह 1957 में स्थापित हुआ वाराणसी में। किशनपुर वन्य जीव विहार ये 1972 में बना, लखीमपुर खीरी। कतरनिया घाट वन्य जीव विहार बहराइच में 1976 में बनाए। फिर है आपका रानीपुर वन्य जीव विहार, ये बांदा में है, 1977 में ही बना था। महावीर स्वामी वन्य जीव विहार 1977 ललितपुर में। राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार 1979 में, आगरा इटावा में है। फिर है आपका क्या है, फिर है कैमूर वन्य जीव विहार 1982 में, मिर्जापुर सोनभद्र में। हस्तिनापुर वन्य जीव विहार 1986, मेरठ मुरादाबाद मुजफ्फरनगर गाजियाबाद। सुहागी बरवा वन्य जीव विहार 1987, महाराजगंज। सोहलावा वन्य जीव विहार 1988, बहराइच जयप्रकाश नगर गोंडा। कछुआ वन्य जीव विहार 1989 वाराणसी। ठीक है, अब वन लाइनर में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं आपके, उन्हें भी देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन टाइप के बने हुए हैं। वर्तमान में राज्य में 21,722 वर्ग किलोमीटर पर वन आच्छादित है, विदेश में अधिकांश वन तराई व पर्वत क्षेत्र में है, याद रखना है आपको। उष्ण प्रदेशीय अर्ध पर्णपाती वन तराई के नमी वाले क्षेत्रों में रहते हैं। और फिर बात करते हैं आगे, उष्ण प्रदेशीय कटीले वन प्रदेश वृक्षों में पौधे हैं फुलाई खैर कुक्के धामन नीम आदि। जनपद मेरठ में खेल के सामान का उद्योग है, जनपद मेरठ में क्या है, खेल के सामान बनाए जाते हैं। फिर है आपका मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राजकीय वन की परिषद की स्थापना की गई। वनों से आर्थिक लाभ का उद्देश्य यहाँ गौण है। वृक्ष का अर्थ होता है जल, जल का अर्थ होता है रोटी, और रोटी का ही जीवन है। नगरीय वन में 101 भारतीय एवं विदेशी प्रजातियों के वृक्ष लगाए जाएंगे। संपूर्ण प्रदेश में ऑपरेशन ग्रीन योजना लागू की गई। 1987-88 में प्रोजेक्ट टाइगर योजना को भारत सरकार की बाघ परियोजना में शामिल किया गया। वर्तमान में एक राष्ट्रीय पार्क और 24 वन्यजीव विहार, 13 पक्षी विहार हैं। लाख बहुसी पक्षी विहार जनपद फरुखाबाद में, विजय सागर जनपद बिहार है, जनपद हमीरपुर में। किशन
पूर्व वन्य जीव बिहार है, लखीमपुर खीरी में। याद रखिए ये आंकड़े बदलते रहते हैं, ठीक है, करंट अफेयर्स से जुड़े रहिए। अब इससे संबंधित जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हें देख लेते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप में है ये, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं, कई बार डायरेक्ट पूछ लेते हैं। पहला है आपका, देश में वन संबंधी शिक्षा प्रारंभ हुई, तो याद रखना है ये हुई थी, डी ऑप्शन सही है, 1878 में उत्तर प्रदेश में। दूसरा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में राज्य वन नीति घोषित की गई कब, तो आपको याद रखना है बी ऑप्शन है, 27 दिसंबर 1998 को। तीसरा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में वन निगम स्थापित किया गया, तो याद रखना 25 नवंबर 1974 को, सी बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय वन नीति के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होने चाहिए, तो याद रखना 33.3% पर, सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5, उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन क्षेत्र स्थापित हैं, तो याद रखना है 6.88%। क्वेश्चन नंबर 6, कत्था किस वृक्ष से बनाया जाता है, खैर से, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 7, उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती वन उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो याद रखना कितने क्षेत्र में पाए जाते हैं, किस क्षेत्र में, तो 7 का होगा आपका सी, 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, विरोजा तथा तारपीन का तेल बनाने में क्या प्रयुक्त होता है, तो 8 का है आपका चीड़ की राल, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, पुरा वनस्पति वीरपल साहिनी संस्थान उत्तर प्रदेश के किस नगर में विद्यमान है, लखनऊ में, डी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 10, वनों से होने वाले लाभों में से निम्न में से कौन सा सही है, उपयुक्त सभी हैं, आर्थिक आय का साधन, भूमि कटाव पर रोजगार की प्राप्ति, ठीक है, 10 का डी है। क्वेश्चन नंबर 11, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र तथा वन क्षेत्र प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, तो याद रखना है सोनभद्र। 12 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वृक्ष जो कभी कभी सामाजिक वनकी में लोकप्रिय था अब एक पारिस्थितिकी आतंकवाद माना गया है, तो याद रखना यूकेलिप्टस, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 13, आम जामुन पीपल नीम के वृक्ष उत्तर प्रदेश के किन वन क्षेत्र में मिलते हैं, तो याद रखना है 13 का होगा सी, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन में। क्वेश्चन नंबर 14, जिला पंचायतों और नगर निगमों के नियंत्रण में रहने वाला वन कहलाता है, तो याद रखना सामुदायिक वन, सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 15, उत्तर प्रदेश में सबसे कम वन क्षेत्र तथा वन क्षेत्र प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, तो याद रखना है संत रविदास नगर, 15 का बी। क्वेश्चन नंबर 16, उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो याद रखना है 16 का होगा सी, 1। क्वेश्चन नंबर 17, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव बिहार है, कछुआ वन्यजीव बिहार, बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 18, बखीरा पक्षी बिहार कहाँ स्थित है, संत कबीर नगर में, ठीक है, ए ऑप्शन है 18 का। क्वेश्चन नंबर 19, उत्तर प्रदेश में 1987 में किस प्लान के तहत कछुआ पुनर्वास योजना प्रारंभ की गई थी, तो याद रखना गंगा एक्शन प्लान, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 20, उत्तर प्रदेश में सुर हाताल पक्षी बिहार अवस्थित है, याद रखिए बलिया में। क्वेश्चन नंबर 21, उत्तर प्रदेश में सुराहाताल देख ही लिया है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने पक्षी अभ्यारण हैं स्थापित हैं, तो याद रखना है आपको 13, ये संख्या बदलती रहती है, ठीक है, कभी भी बदल सकती है, महत्वपूर्ण, करंट अफेयर्स में जुड़े रहिए, उसमें पता चलता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई, तो याद रखना है नवाबगंज पक्षी विहार, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर है फिर हमारा 23, पटना पक्षी विहार कहाँ स्थित है, पटना पटना पक्षी विहार कहाँ स्थित है आपका, ये आप
पटना पक्षी विहार आपका स्थित है 23 का होगा, इटावा जिले में, ठीक है, ये ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है, ये पक्षी विहार है, ये स्थान है। तो 24 में आपका होगा नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव, 24, और ओखली पक्षी विहार ये होगा गौतम बुद्ध नगर, समसपुर पक्षी विहार रायबरेली, और पावल पार्वती अरंगा पक्षी विहार एक गोंडा में, मतलब ए ऑप्शन सही होगा 24 का। क्वेश्चन नंबर 25, कछुआ वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है? तो आपको बता देना है सोरो में, बी ऑप्शन है 25 का, सॉरी 25 का नहीं, 24 का ए है, 25 का वाराणसी, डी ऑप्शन है, 25 का क्या है डी। क्वेश्चन नंबर 26, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार है? तो याद रखना लाख बहोसी पक्षी विहार, सी ऑप्शन होगा 26 का। क्वेश्चन नंबर 25 का डी है, ठीक है, 26 का सी। क्वेश्चन नंबर 27, उत्तर प्रदेश में वर्तमान उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस वन्यजीव विहार की स्थापना की गई? तो याद रखना 27 का होगा ए, चंद्र प्रभा वन्यजीव विहार। क्वेश्चन नंबर 28, उत्तर प्रदेश में सामाजिक वन की योजना कब शुरू की गई? तो याद रखना 1976 में, 28 का ए। क्वेश्चन नंबर 29, उत्तर प्रदेश में लुप्त प्राय वन्यजीव परियोजना किस वन में चलाई जा रही है? तो याद रखना है कुकरेल में, सी ऑप्शन 29 का। क्वेश्चन नंबर 30, बेंतीताल पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो याद रखना प्रतापगढ़ में, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा वनों पर आधारित उद्योग जनपद बरेली का नहीं है? तो याद रखना है इसमें खेल का सामान नहीं है, ठीक है, माचिस है, कत्था है, रेजिन है। क्वेश्चन नंबर 36, सॉरी क्वेश्चन नंबर 32, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नगरीय वन की स्थापना कब की गई? तो 32 में आपका होगा 15 अगस्त 2006, 32 का बी। क्वेश्चन नंबर 33, समस्तपुर पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो याद रखना है आपको फरुखाबाद में, 33 का ए। क्वेश्चन नंबर 34, चंद्र प्रभा वन्यजीव विहार किस जनपद में स्थित है? तो ये है वाराणसी में। क्वेश्चन नंबर 35, रानीपुर वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई? तो आपको बता देना है 1977 में। तो ये था हमारा वन संपदा से संबंधित चैप्टर। बात करेंगे आगे, हम लोग देखेंगे खनिज संसाधन, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में खनिज संसाधनों को देखेंगे, ठीक।